President Assad bin Nawazi announced the formation of a United Democratic Secular Alliance with Devendra Prasad Yadav, Samajwadi Janata Dal Democratic, for Bihar elections. Oasi said, I quote in his words, "We have formed the United Democratic Secular Alliance with Devendra Prasad Yadav, and the people of Bihar are tired of CM Nitish Kumar, the only viable option which we will hopefully be able to provide them." भी इलेक्शन आते हैं और हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में हम लोग भरोसा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने हुक को हासिल करने के लिए, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती है मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूफ करता है कि MIM के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि MIM को फायदा हो रहा है और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्जाम लगाती है। एम्पिरिकल डेटा है, बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहां पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती। हमने तो एक बिहार के एक बहुत बड़े लीडर के साथ, उनकी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस। हमने देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे कन्वीनर हैं, ये वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दिया था, 5 टर्म के MP हैं। हम उनके साथ चलिए, आज आप हमसे करिए, आप तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ अलायंस किए हैं और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी और आप देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे।